उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में गंगा चरण हॉस्पिटल ऑडिटोरियम निकट गांधी उद्यान रामपुर गार्डन सिविल लाइंस बरेली में नाथ नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय सेना एवं कारगिल विजय दिवस को समर्पित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। यह शिविर नाथ नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट बरेली द्वारा लगाया गया। आपको बताते चले, इस रक्तदान शिविर में कुल 33 रक्तदानों ने रक्तदान किया। क्या नाम है आपका? रामाशीष यादव, संस्थापक अध्यक्ष नाथ नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट बरेली। आपने नाथ नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई जो आपने इस तरह बनाया? देखिए, 2016 में मैंने पहली बार अपना रक्तदान किया और वो किस्सा बहुत ही अपने आप में एक लाजवाब था कि मेरी दादी की उम्र की महिला थी, उनके लिए मैंने पहली बार रक्तदान करा और ये चीज़ मैं देखा कि उनके साथ दो बेटे हैं और उनके वो रक्तदान नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। फिर हमारे जानने वाले पाठक भाई साहब, उनके पिताजी कैंसर CML के पेशेंट थे, राममूर्ति में भर्ती थे, तो उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ी। तो फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट करा और उस पोस्ट पे देखा कि कम से कम 15-16 लोगों ने कमेंट किया कि हम रक्तदान कर सकते हैं, हम रक्तदान। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे। फिर सोशल मीडिया के तहत हमने इस मुहिम को चलाना शुरू किया, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आज पूरे भारत में लगभग 5 लाख साथी हैं अलग अलग संस्थाओं से जो हमसे जुड़े हैं। और पूरे भारत में हमारा प्रयास रहता है कि उन साथियों की मदद से जिस किसी को रक्त की आवश्यकता हो उसको रक्त दिलवाया जाए। अब तक कितना शिविर लगा चुके हैं? अब तक तो हम यहाँ 26वां शिविर हमारा है, बट हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कई 200-300 शिविर लगा चुके हैं। इसमें सहारनपुर की संस्था है फैमिली ब्लड डोनर, मुजफ्फरनगर की संस्था है आपकी वंदे भारत ट्रस्ट, ये लगातार हर वीक कैंप लगाते रहते हैं और इनका रिकॉर्ड है। और आज हम उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात भी है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर 2023 के में रक्तदान करने में आगे रहा है। हमने गुजरात और महाराष्ट्र को पछाड़कर सबसे आगे उपलब्धि हासिल करी है। अब तक तो 15 लोगों ने किया है और हमारा टारगेट 50-60 डोनर्स का है और लगातार हमारे रक्तवीर आ भी रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम अनूप शर्मा है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ, नाम नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट बरेली का। आज जो रक्तदान शिविर आपने कैंप लगाया है, हमारी संस्था का नाम नाथ नगरी रक्तदान सेवा ट्रस्ट बरेली है और ये हमारा 26वां रक्तदान शिविर है और अभी तक लगभग जो है 15 लोगों ने यहाँ रक्तदान किया जा चुका है और हमारा जो टारगेट है 50 लोगों तक है। अभी ये 4 बजे तक ये कैंप हमारा चलेगा, तो हमारी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे रक्तदान करें। और ये जो हमारे थैलेसीमिया के लिए पेशेंट्स होते हैं और कैंसर के लिए होते हैं जिनको रक्त की अति आवश्यकता होती है, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। एसके सूरी, नहीं, ऐसा लोगों को ये गलतफहमी है कि सब कमज़ोरी आती है रक्तदान करने से। जो रेगुलर रक्तदाता हैं, जैसा कि कहा जाता है कि कम से कम 3 महीने के बाद रेगुलर करना चाहिए, तो ऐसे रक्तदाताओं को बल्कि हेल्थ का बेनिफिट होता है, स्वास्थ्य में बेनिफिट्स होते हैं। जिस प्रकार से रक्तचाप कंट्रोल होता है, इसमें कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती, यानी एजिंग जल्दी नहीं आती है और इस तरह के बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं और ये बायोलॉजिकली प्रूवन है। अमेरिकन जर्नल ने भी इसको छापा है कि हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं इसमें, कैंसर के चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जो लोग रेगुलर रक्तदाता हैं।